तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में विंड लेटर का सेटअप कैसे कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो अपलोड करके रखे हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने जो है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के ऊपर इसका सेटअप किया था। लेकिन अगर आपके पास मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा है तो उसमें सेटअप कैसे करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अभी ये मेरे पास जो फ़ोन है उस फ़ोन में लगा है मीडियाटेक का प्रोसेसर, मीडियाटेक P95 का प्रोसेसर है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस प्रोसेसर के ऊपर हम सेटअप कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपके पास भी मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा है फोन में और आपको सेटअप नहीं करना आ रहा तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए फिर देखते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे फोन में लगा है मीडियाटेक का P95 प्रोसेसर 8GB रैम के साथ। तो देखते हैं इस प्रोसेसर के साथ ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले विंड लेटर को डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है क्रोम ब्राउजर के ऊपर। क्रोम ब्राउजर के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर मैं शुरू से दिखा देता हूँ। क्रोम ब्राउजर के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है विंड लेटर गिटहब। विंड लेटर गिटहब लिख के आपको यहाँ पर पहले वाले गिटहब की वेबसाइट ओपन कर लेना। उसके बाद ओपन करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन शो करेगा, मतलब जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर विंड लेटर 6.1 का वर्जन यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे में विंड लेटर 6.1 APK मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये जो है डाउनलोडिंग के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर दिया है तो यहाँ पर मैं वापस से नहीं करूँगा। तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल भी करके रखा है। तो जैसे आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद आप इसको ओपन कर लेना। और जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पर एक जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉलिंग सिस्टम फाइल्स इंस्टॉल करेगा, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो इसमें आपको वेट करना होगा। ओके, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर सिंपल से प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक कंटेनर बनाना होगा, तो उसके लिए आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी आप जो भी नाम देना चाहते हो यहाँ पर आप नाम दे सकते हो। उसके बाद स्क्रीन साइज में आप अपने फ़ोन के हिसाब से स्क्रीन साइज सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि अगर आपके पास पावरफुल डिवाइस है तो आप ज़्यादा स्क्रीन साइज रख सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर मैं जो है इतना ही रखूँगा क्योंकि ज़्यादा फ़ोन के ऊपर लोड नहीं देना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इतना साइज रख देता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर मेन चीज़ आती है ग्राफिक ड्राइवर का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी आपका फ़ोन, मतलब आपके फ़ोन में अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो आपको टर्निप को सिलेक्ट करना है होता है, लेकिन अभी हमारे फ़ोन में लगा है मीडियाटेक का प्रोसेसर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वर्जुअल को सिलेक्ट करना होगा। वर्जुअल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर DX वराफर के ऊपर आना है और यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट WinD3D के ऊपर होता है तो उसी को रहने देंगे, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, अरे भाई साहब क्या हुआ, ओके। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको शो FPS के ऊपर टिक कर लीजिए अगर आपको फ्रेम रेट देखना है गेम के ऊपर। अगर आप फ्रेम रेट शो कराना चाहते हो तो आप इसको शो FPS को टिक कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर सभी CPU को ऑन कर लेना है। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लीजिए और अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर वीडियो मेमोरी साइज़ का, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना और यहाँ से आपको स्लाइड करना है और यहाँ से आपको एडवांस के ऊपर जाना है। एडवांस के ऊपर आने के बाद फिर से थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको कॉम्पेटेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लेना है दोनों को। लेकिन यहाँ पर याद रखना, परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका गेम क्रैश वगैरह होने लगता है तो आप फिर से इसी सेटिंग पर आके इसको फिर से कॉम्पेटेबिलिटी के ऊपर सेट कर लेना दोनों को। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मैं इसको परफॉर्मेंस के ऊपर सेट करके देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद एक कंटेनर जो है क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बन गया है। तो इसको रन करने के लिए यहाँ पर 3 lines के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से रन कर लीजिए। रन करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लीजिए, ये लोडिंग ले रहा है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। तो पहली बार जब इसको ओपन करोगे तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एक बार ये ओपन हो जाएगा तो बार बार आसानी से जल्दी ओपन हो जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पर मेरे पास एक गेम पड़ा है, तो उसी को यहाँ पर हम टेस्टिंग करने वाले हैं कि कैसे काम करता है। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो गेम है वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो फ्रीडम फाइटर की जो गेम है इसको मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में बस यही गेम मैंने सेव करके रखा है, तो इसी को यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं फटाफट से इसका एक प्रीसेट लोड कर देता हूँ ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें। तो इसमें प्रीसेट ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको बैक बटन को दबा देना है। यहाँ पर आपको जाना है इनपुट कंट्रोल्स के ऊपर और यहाँ से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इम्पोर्ट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेना और आपका जो भी प्रीसेट है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता इसमें प्रीसेट वगैरह कैसे बनाते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, फुल डिटेल वीडियो है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और आप अपना खुद का प्रीसेट बना सकते हो।
ओके तो यहाँ पर मैंने प्रीसेट ऐड कर दिया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर बैक कर लीजिए और यहाँ से आप अपना प्रीसेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर लीजिए और आपका यहाँ पर प्रीसेट ऐड हो जाएगा। तो अभी ये जो गेम है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं फटाफट से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गेम है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो है इसमें अभी तक तो स्मूथ एक्सपीरियंस लग रहा है, मतलब स्नैपड्रैगन के ऊपर भी हमने ट्राई किया है लेकिन अभी तक ये गेम पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं इसको फुल स्टार्ट करके देखता हूँ क्या होता है। तो अभी तक तो यहाँ पर कोई इशू लग नहीं रहा, लेकिन देखते हैं। ओके तो अभी ये स्टार्ट हो गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये जो है कंट्रोलिंग में थोड़ा दिक्कत दे रहा है। ओके तो अभी तक यहाँ पर अगर आप फ्रेम रेट देखोगे तो 40 के ऊपर यहाँ पर फ्रेम रेट शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सही फ्रेम रेट आ रहा है इसके ऊपर, और फिर से यहाँ पर 20 के ऊपर आ गया, मतलब 30-20 के बीच में रह रहा है, लेकिन 40 के ऊपर भी कभी कभी जा रहा है, तो देखते हैं अभी। ओके तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो इनविजिबल हो गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और बाकी का जो यहाँ पर एक कैरेक्टर होता है हमारे साथ में तो वो भी यहाँ पर इनविजिबल हो गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक क्या दिक्कत है वो समझ नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर मैं गेम को फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं फिर से स्टार्ट करके क्या ये प्रॉब्लम फिक्स होता है या फिर नहीं। ओके तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने बहुत से सेटिंग्स को ट्राई करके देखा कि ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है फिक्स नहीं हो रहा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे पता नहीं है, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जैसे इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर हमारे फोन में हमारे जो गेम में है ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जो कि है कैरेक्टर इनविजिबल वाला। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कैरेक्टर है वो इनविजिबल हो गया है, तो बहुत ही अजीब सा प्रॉब्लम यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर जो है सिर्फ हमारा ही नहीं, बाकी सभी कैरेक्टर यहाँ पर शो नहीं करे। जैसे कि अगर आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सामने वाला भी कैरेक्टर यहाँ पर इनविजिबल हो गया है। तो बहुत ही अजीब सा यहाँ पर एक ग्लिच या फिर बोल सकते हो आप। तो ये जो है मीडियाटेक वाला प्रोसेसर में ही ये जो गेम है इस तरह का प्रॉब्लम दे रहा है। तो हमने जो है स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन में भी इसको ट्राई किया था, लेकिन उसमें तो सही से गेम प्ले हो रहा था, लेकिन अभी इस फ़ोन में जो है ये गेम जो है इनविजिबल कर रहा है, मतलब कैरेक्टर जो है शो नहीं कर रहे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन बाकी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा, बाकी गेम वगैरह बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। हालांकि इसका जो फ्रेम रेट है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी ड्रॉप हो जाता है, अचानक से बूस्ट हो जाता है, तो वो भी एक मतलब स्टेबल फ्रेम रेट यहाँ पर नहीं मिल रहा। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है 20 और 30 के बीच में हमारा फ्रेम रेट यहाँ पर रह जाता है। और मेरे पास जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है वो उतना भी पावरफुल नहीं है, इसलिए भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास मीडियाटेक का पावरफुल प्रोसेसर लगा है तो आप एक बार इस सेटिंग को ट्राई करके देख लेना जो मैंने किया है। तो उस सेटिंग्स के ऊपर आप गेम प्ले करके देखना, हो सकता है आपके फ़ोन में चल जाए। लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर मुझे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो अगर मिलता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।